फ्रॉम स्निकर्स बेकरी। हाउ आर योर फ्रेंड्स, आज हमने बनाएंगे टीटन केक, एगलेस है वो। सो इट इज चॉकलेट की टीटन केक। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अभी हम लोग ने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, वेट इंग्रेडिएंट्स को पहले हम लोग चाहेंगे मिक्स करेंगे, फिर ड्राई इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे एक कप मैदा लिया है, हाफ कप शुगर लिया है, 1/4 कप ऑयल लिया है, यानी फ्लेवरलेस ऑयल, कुछ स्मेल नहीं होनी चाहिए। एंड 1/3 मैंने यहाँ पे कोको पाउडर ले लिए है, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा एंड वैनिला एसेंस, और थोड़ा सा हम लोग नेस्कॉफी डालेंगे तो जस्ट उसका फ्लेवर अच्छा आ जाता है। एंड हम लोग यहाँ पे अखरोट ले लिए हैं, इन्हें ड्राई रोस्ट करके रखा है तो क्रंचीनेस अच्छा आता है उसमें। ओके, सो हम लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके सब इंग्रीडियंट्स को मिक्स करेंगे। पहले वेट को मिक्स करेंगे। एंड मेन हम लोग क्या है, बनानास। मेरा पास छोटे छोटे बनाना है इसलिए मैंने 2 लिए हैं। ओके, आपके पास बड़ा है तो 1 ही लीजिए। ओके, और थोड़ा राइप होना चाहिए, इन्हें कच्चा मत लीजिए, इस ओवर राइप होने से बहुत अच्छा आता है इसका। ओके, तो हम लोग ने इसका 2 ले लिए हैं, ओवर राइप बनानास है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपना फोक, सबके पास रहता है तो फोक से हम लोग अच्छे से मैश करेंगे। इसको अच्छे से हम लोग मैश करेंगे, ओवर राइप है इसलिए जल्दी से मैश हो जाएगा। ठीक है, हम लोग ने अच्छे से मैश कर लिया है 2 बनानास को, फिर चंक्स देता है तो अच्छा ही लगता है। तो टी टाइम केक है इसलिए हम लोग ज़्यादा मिक्सिंग का भी जरूरत नहीं है, बीटर का जरूरत नहीं है। ओके, इसमें हम लोग अपना शुगर डाल देंगे। ठीक है, इसको भी अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे। ठीक है, अच्छे से इसमें मैश कर लेंगे। अच्छे से इसमें हम लोग मैश कर लिए शुगर को भी, तो चंक्स थोड़ा थोड़ा रहेगा तो बनानास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और शुगर ये सब अच्छे से मैश कर लीजिए, इसमें मिक्स कर लीजिए। अभी हम लोग अपना ऑयल दे देंगे। ओके, अपना जो ऑयल है वो डाल देंगे। ओके, सबसे फर्स्ट स्टेप है, हमें थोड़ा स्किप कर गई, ये जो हम लोग का मोल्ड है, आपके पास जो भी मोल्ड है आप इसको रिफाइंड ऑयल एंड थोड़ा फ्लोर से करिए, नहीं तो बटर पेपर लगा दीजिए बेस्ट आपके पास है तो। मैं अभी यहाँ पे फ्लोर एंड पहले थोड़ा ऑयल दिया, फिर फ्लोर से मैं बटर पेपर का काम करता है। मैं मेरे यहाँ पे ग्रीस करके रखी हूँ अपना मोल्ड। ओके, अभी इसमें हम लोग अपना ऑयल अच्छा से मिक्स कर देंगे। बनानास में अच्छे से ऑयल मिक्स हो जाए। ओके, अपना शुगर है, बनाना है, ऑयल है, अच्छे से वो मिक्स हो गया है। और अपना जो एसेंस है वो भी हम लोग इसमें डाल के रखेंगे, जस्ट 1 teaspoon। हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं देंगे। ठीक है, अपना यहाँ पे मिक्स हो गया है। अभी हम लोग इसको साइड में रख देंगे और ड्राई इंग्रीडियंट्स जो है वो हम लोग अभी मिक्स करेंगे। ओके, ये अपने साइड में रख देंगे। अभी हमें ड्राई इंग्रीडियंट हम लोग छान के लेंगे सब। ओके, फर्स्ट हम लोग लेंगे 1 कप मैदा, 1 कप, फिर हम लोग यहाँ पे लेंगे कोको पाउडर अपना। ठीक है, 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा एंड थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे नेस्कॉफी डालेंगे, जस्ट 1/2 teaspoon। बहुत अच्छा एक अरोमा आता है उसमें चॉकलेट केक के साथ। ओके, अब जस्ट 1/8 teaspoon जैसे हम लोग चुटकी बोलते हैं उसको हम लोग यहाँ पे
नमक डालेंगे, जस्ट 1/8, ओके, जस्ट एक चुटकी। सर मिठास में हम लोग थोड़ा नमक डालने से वो अच्छा लगता है, उभर के आता है। इसमें हम लोग अच्छा से इसको छान लेंगे। जो कोको पाउडर है वो गुठलिया रहता है इसमें, फिर बेकिंग पाउडर में कभी कभी रहता है, तो इस तक हम लोग यहाँ पे जो गंदा है निकल के आ जाएगा। बहुत टेस्टी होता है टी टाइम केक, हेल्दी भी होता है। मैदा नहीं देखिए, आप यहाँ पे आटा भी दे सकते हो, जैसे आपको पसंद होगा यहाँ पे डाल सकते हो। आप यहाँ पे चॉको चिप्स डाल सकते हो इसके अंदर, आप अपना वेरिएशन कर सकते हो, जैसे आपको पसंद होगा वैसा आप डाल सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा डार्क और लाइट कोको पाउडर दोनों ही मिक्स किया है। आपके पास जो कोको पाउडर आप दे सकते हो, कोको पाउडर स्किप भी कर सकते हो, आपको चॉकलेट की नहीं चाहिए पसंद करते हो तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, अभी हम लोग इसको अच्छे से मिला लेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे अपना वेट इंग्रेडिएंट्स जो है उसमें डालना डालेंगे। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे अभी इसको इसमें डालेंगे, एक साथ में नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। ठीक है, बहुत तो अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। अभी धीरे धीरे इसमें मिक्स करेंगे। एकदम लिक्विड यहाँ पे मत करना, सेमी सॉलिड रखना बैटर। हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे, हम लोग मिक्स करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा हम लोग दूध देंगे यहाँ पे, जैसे जितना दूध चाहिए हम लोग उसके हिसाब से देते रहेंगे। देखेंगे हमें कितना दूध चाहिए यहाँ पे, धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे। बैटर हम लोग को फ्लोइंग नहीं चाहिए, सेमी सॉलिड चाहिए हम लोग को, टी टाइम केक है इसलिए हम लोग फ्लोइंग नहीं करेंगे, अच्छा कंसिस्टेंसी आएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे मिक्स करिए यहाँ पे। बेकिंग से थोड़ा पेशेंस लगता है, इसलिए धीरे धीरे करिए। देखिए सेमी सॉलिड बैटर हो गया हम लोगों का। ठीक है, ओवन मिक्स नहीं करेंगे, हमारे बैटर रेडी है। अब यहाँ पे मैंने जस्ट हाफ ए टीस्पून मैंने सिनेमन पाउडर लिया है, जस्ट आपको चाहिए तो फ्लेवर दीजिए, नहीं तो यू कैन ओमिट इट, थोड़ा सा अच्छा लगता है बनाना। और यहाँ पे हम लोग वॉलनट्स लिए हैं, आप यहाँ पे वॉलनट्स दे सकते हो, चॉको चिप्स दे सकते हो, थोड़ा बड़े बड़े चंक्स रखे हैं मैंने, तो टेस्टी होता है और जब मुँह में आता है क्रंचीनेस। ठीक है, ड्राई रोस्ट कर लिए मैंने सब टाइम ड्राई फ्रूट्स को, तो ड्राई रोस्ट करने से क्या होता है क्रंचीनेस अच्छा आता है, हेल्दी भी हो जाता है थोड़ा। ऐसा जब बच्चे लोग नहीं खाते हैं ऐसे वॉलनट्स, ऐसा टी टाइम केक बना के दोगे तो। और ये शुगर नहीं देखे, आप यहाँ पे शुगरलेस भी दे सकते हो, शुगर फ्री जो होता है वो भी दे सकते हो, गुड़ के पाउडर भी दे सकते हो, दैट इज ऑल्सो हेल्दी। ठीक है, मैंने यहाँ पे हाफ कप दे दिया है वॉलनट्स, मिक्स कर देना है यहाँ पे। अभी हम लोग इसको कोट कर देंगे अपना मोल्ड में, जो हम लोग ग्रीस करके रखे थे।
मैं ओटीजी बनाऊंगी, मैं ओटीजी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। आप इसे कढ़ाई में बना सकते हो, कढ़ाई को प्रीहीट करके फिर आप बैटर मोल्ड इसमें प्लेस कर सकते हो। अराउंड 30 मिनट्स तक हो जाता है कढ़ाई में, फिर कढ़ाई में ज़्यादा टाइम लेता है, ओटीजी में 25 मिनट्स तक हो जाएगा। मेरा ओटीजी छोटा है, इसे जल्दी हो जाता है। मैं 170 में अभी बेक करूँगी, अराउंड 20 से 25 मिनट्स मिडिल रैक, ठीक है। आप तो भी ट्राई करिए, एगलेस है, हेल्दी भी है। आप मैदा की जगह पे आप यहाँ पे आटा दे दीजिए, गुड़ से बना सकते हो, शुगर नहीं देके, शुगर फ्री से भी बना सकते हो। ओके, थोड़ा कैसे कैसे देख लेना, जब फ्लोई मत करना तो टेक्सचर अच्छा नहीं आता है। हम लोग थोड़ा वॉलनट जो रखे हैं तो एक दो हम लोग यहाँ पे दे देंगे, अच्छा लगता है। आप यहाँ पे चॉको चिप्स भी दे सकते हो, जो आपको पसंद है डाल सकते हो, ठीक है, और चॉकलेटी हो जाएगा। फिर ये अभी हम लोग बेक करने के लिए रखेंगे, ठीक है, ऐसे 25 मिनट्स तक हो जाता है। रोटी ही अभी क्रिएट हो रहा है, मतलब इसको डाल देंगे बेक करने के लिए। देखिए हम लोगों ने केक का बेक हो गया है, केक इट टुक अराउंड 27 मिनट्स लिया है वाला, देखिए कितना स्पॉन्जी है। तो हम लोग इसको डिमोल्ड कर लेंगे, गर्म है, थोड़ा गर्म है, देखिए नीट निकल के आया है। देखिए इसको हम लोग सॉफ्ट है, देखिए इसको हम लोग, मैं कट करके दिखाती हूँ आपको, एकदम सॉफ्ट है, देखिए कैसे दब के आ रहा है, गर्म भी है इसलिए टूट रहा है, गर्म है बोल के, बहुत गर्म है ये। देखिए ये देखिए धुआं निकल रहा है एकदम, देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखिए इसे कितना सॉफ्ट बना है, देखिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग भी ट्राई करिए, अभी लाइक द रेसिपी, वॉच माई चैनल स्प्रिंकल्स बेकरी। थैंक यू वॉच।